आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं खाने में क्या खाता हूँ, मतलब मैं अपने मॉर्निंग की स्टार्ट कैसे करता हूँ। मैं खाता हूँ सुपर फूड्स। तो सुपर फूड्स कौन से हैं, उसको खाने के लिए मैं आता हूँ बेयर नेकेड बॉल्स पे, आप ये देख सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आ जाओ। जैसे मैं एंटर करता हूँ एंट्री करने पर ही मुझे दिखाई गई एक सुपर फूड गाइड, ये आप देख सकते हो सुपर फूड गाइड। इस सुपर फूड गाइड के अंदर आपको दिखाया गया है कि जो जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज़ करते हैं बॉल्स बनाने में, उसके अंदर किस किस तरह के फ़ायदे हैं बेसिकली उन इंग्रेडिएंट्स के। आप ये देख सकते हो ये मैचा ग्रीन टी जो यूज़ करते हैं, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है मैचा टी। फिर है ये पिंक पिटाया, पिटाया एक फ्रूट होता है, उसको ये यूज़ करके बनाते हैं, इसका ब्लेंड है जो असाई बॉल्स का इनके। और फिर ये असाई बेरी है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे। फिर ब्लू स्पायरुलिना है, देन वी हैव हेम्प सीड्स जिन्हें मतलब शायद भांग के बीज कहते हैं। फिर ये है काकाओ निब्स एंड देन वी हैव गोजी बेरीज, और ये जो गोजी बेरीज होती हैं ये बहुत ही अच्छी होती हैं, वेट लॉस और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। और बेयर नेकेड बॉल्स पे अब आते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे यहाँ पर क्या क्या मिलता है बताया हुआ है, साई बॉल्स, स्मूदी बॉल्स, योगर्ट बॉल्स, सुपर फ्रूटोस, मैं थक जाऊँगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हो यहाँ पर। और इनका अपना हैशटैग भी है जो ये रन करते हैं, जो कि है नेकेड नॉर्थ मीट। तो सबसे पहले मैंने जो मंगाया है वो है आलमंड जिंक, आलमंड जिंक जो कि इनका एक स्मूदी है, और स्मूदी के अंदर है बनाना, आलमंड बटर, जिंक, सिनेमन, स्पिनच, एक्टिवेटेड मिल्क एंड हनी। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है ये, और अच्छा है इसके अंदर क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो अगर आप इधर आओ तो ज़रूर टेस्ट करना। तो सबसे पहले मैं अपना जो मैंने बॉल ऑर्डर किया है, बेसिकली बॉल है ये, इसका नाम है रियो बॉल। और रियो बॉल के अंदर होता क्या है, बेसिकली असाई बेरी जो होती है, असाई बेरी बेसिकली ये जो आती है अमेजोन साइड से आती है, अमेजोन फॉरेस्ट हैं बेसिकली, वहाँ पर जो बनती है ये, तो जो बेरी होती है उसका एक पेस्ट होता है, उस बेरी को जो क्रश करके फ्रोजन करके और वो पूरे वर्ल्ड में सेल होता है, तो वो जो पेस्ट होता है उसको ब्लेंड किया जाता है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ, जैसे कि बनाना के साथ, कोकोनट मिल्क के साथ, या फिर आप उसकी जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं, पीनट बटर यूज़ कर सकते हो या योगर्ट यूज़ कर सकते हो, तो अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके एक ब्लेंड बनाया जाता है। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी नेचुरल और हेल्दी रहती हैं। तो अगर आप ये वाला देखोगे, इसके अंदर एक ब्लेंड है बेस पर, मैं आपको थोड़ा सा हटा कर दिखाता हूँ, तो ये नीचे अगर आप देखोगे ये ब्लेंड है, ये जो ब्लेंड है इसके अंदर बनाना और जो है कोकोनट योगर्ट है वो यूज़ किया हुआ है, कोकोनट मिल्क है वो यूज़ किया हुआ है, इसके अलावा थोड़ी सी ब्लैक बेरीज या ब्लू बेरीज हैं उनको भी यूज़ किया हुआ है, तो ये ब्लेंड बना है। देन इस ब्लेंड के ऊपर जो नेक्स्ट रखा होता है वो उन्होंने इसकी टॉपिंग्स होती हैं, जो टॉपिंग्स रहती हैं। अब मेरे वाले जो बॉल है इसके अंदर जो टॉपिंग्स है वो है स्ट्रॉबेरी, वो है बनाना, वो है काकाओ निब्स, ये बेसिकली कोकोआ से बनता है, ये काकाओ निब्स हैं। फिर है पम्पकिन सीड्स हैं और ग्रेनोला है, ग्रेनोला मीन्स जितने ये जो ग्रेन्स हैं उन सब का एक मिक्सचर टाइप सा रहता है, ये बहुत अच्छा होता है, तो ये ग्रेनोला, और साथ में कुछ बेरीज भी हैं, अगर आप देखो ये थोड़ी बेरीज भी हैं, और सुल्ताना है जिसे हम किशमिश वगैरह बोलते हैं, तो वो भी है इसके अंदर। तो सारी चीज़ें मिला करके एक सुपर फूड बनाती है, सुपर बॉल बनाती है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होने के से रोकते हैं, और फ्री रेडिकल्स जो फॉर्म होते हैं उनको रिमूव करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं तो ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, और आप कभी भी ब्लोटेड फील नहीं करते हो, तो आप इसको खाओगे तो आपको ब्लोटेड फील नहीं होगा, कि पेट फूलेगा नहीं। मोस्टली जैसे मुझे पहले हो जाता था, जब मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, स्किन रिलेटेड इशूज़ हो गए थे, स्टमक रिलेटेड इशूज़ हो गए थे, तब मैंने इस सुपर फूड को ऑप्ट किया। नॉट जस्ट ये, यहाँ पर बहुत सारे फूड हैं, और इधर ही नहीं हर जगह पर, आप घर पे भी इसे प्रिपेयर कर सकते हो, वूलवर्ट से जा करके आप ये ला सकते हो, इसका जो ब्लेंड है, देन उसको मिक्स कर सकते हो आप अलग अलग चीज़ों के साथ, और फिर सर्व कर सकते हो, आइसक्रीम का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। इसके साथ मैं आपको दूसरा बॉल दिखाता हूँ जो निधि ने ऑर्डर किया, ये है ग्लो बॉल। इस ग्लो बॉल के अंदर आप देखो ये बनाना है, और इसके ऊपर हनी डाला हुआ है इन्होंने, साथ में ये है कोकोनट योगर्ट, फिर काकाओ निब्स, और इसका जो ब्लेंड है, इसका बेस का जो कलर है वो अगर आप देखोगे मैं आपको दिखाऊं तो वो अलग है, क्योंकि जो बेस है ये देखो ये थोड़ा डार्क है, और मैं आपको अगर दूसरा दिखाऊं तो ये वाला थोड़ा लाइट है, तो इनके अंदर अलग अलग चीज़ें डाली हुई हैं। इसके अंदर इन्होंने ब्लू बेरीज ज़्यादा डाली हुई हैं, जो क्योंकि मुझे दिख भी रही हैं बेरीज़ हैं, फिर एक योगर्ट है, देन स्ट्रॉबेरीज हैं, बनाना है,
इसके ऊपर भी बनाना भी है और पीनट बटर है, बट इस वाले पे पीनट बटर नहीं है। और ये जो योगर्ट है ये कोकोनट योगर्ट है, कोकोनट मिल्क का योगर्ट है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा। अब मैं खाता हूँ इसे और एंजॉय करता हूँ, वीडियो बनाऊँगा तो खा नहीं पाऊँगा। तो अगर आपको असाई बेरी ख़रीदनी है, असाई बेरी का जो पेस्ट है जो फ्रोज़न आता है वो आपको परचेज़ करना है, तो आपको वूलवर्ट्स से परचेज़ करना पड़ेगा। वूलवर्ट्स जो कि यहाँ का एक सुपर मार्केट है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये अगर फ्रोज़न सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये असाई एनर्जी के नाम से, ये देखो अमेज़ोनिया असाई एनर्जी, ये ब्लेंड है जो इसका मिलेगा आपको। और इसमें भी 3-4 टाइप के ब्लेंड्स आते हैं, बट ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। सबसे अच्छा जो है असाई बेरी का ब्लेंड वो ये है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका ये जैसे ये गोराना ब्लेंड है, और गोराना ब्लेंड के अलावा भी 2-3 तरह के ब्लेंड है, शुगर फ्री ब्लेंड है, अलग अलग तरह के इसके ब्लेंड हैं, बट ये वाला है जो सभी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ये रेकमेंड करूँगा आपको। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको जैसे बेरीज़ हैं, तो जैसे ये ब्लू बेरीज़ हो गई, और ये ऑर्गेनिक ब्लू बेरीज़ हैं, ये डाइस्ड मैंगो है, हर चीज़ें आपको यहाँ फ्रोज़न सेक्शन के अंदर मिल जाएगी वूलवर्ट्स के अंदर। तो आप इधर से असाई बेरी और साथ में जो भी आपको फ्रोज़न फ्रूट चाहिए, मिक्स्ड बेरीज चाहिए, कुछ भी चाहिए, जैसे मिक्स बेरीज हैं, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फ्रोज़न फ्रूट्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है ओवर जो हमारे नॉर्मल ऑर्गेनिक जो हम खाते हैं, नॉर्मल जो रेगुलर फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनका क्या होता है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगा, बना के दिखाऊँगा, बट फिलहाल के लिए आप इसे यहाँ से परचेज कर सकते हो। तो असाई बेरी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि अभी आजकल असाई ट्रेंड में है, और इसको अकाई भी बोलते हैं काफ़ी सारे लोग, जो कि प्रोनंसिएशन इसका गलत है, और शायद मैं भी गलत ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इसे असाई ऐसे करके कुछ बोल रहे थे, असाई, तो मैं इसे जनरली असाई बेरी बोलता हूँ। और बहुत ही अच्छा है, हुआ स्टार्ट ऐसे था इस चीज़ को खाना, मैंने ऐसे किया था कि मैं काफ़ी पेट से रिलेटेड मुझे IBS हो गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर काम करता था, सोता नहीं था लगातार, अब मेरे स्लीप के जो पैटर्न थे वो जो डिफरेंट थे, मतलब बेसिकली मुझे जो कंसिस्टेंटली एक नॉर्मल नींद चाहिए होती है 6-8 घंटे की, वो मैं नहीं ले रहा था, उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे। उसके अलावा फिर मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, उस बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया था मैं, तो IBS हो गया था मुझे। फिर मैं लास्ट 2 ईयर्स की अपनी जर्नी आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूँगा, काफ़ी परेशान रहा मैं, डिप्रेशन मेरा और मेरी एक हेल्थ की जर्नी रही है, पूरे 2 साल में मैंने बहुत तरह से चोटें खाई हैं। तो मैंने धीरे धीरे करके अपने जो खाने को है वो चेंज किया, उसी में से एक पार्ट था ये असाई बेरी का। इसको मैंने काफ़ी रिसर्च किया, और मैंने एक्चुअली इसके जो फ़ायदे हैं मैंने अपने अंदर देखे कि हाँ, मुझे जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो मैंने जब इसको खाना शुरू किया तो मुझे असर अपनी बॉडी के अंदर दिखने लगे, क्योंकि जो जो मुझे प्रॉब्लम्स थी वो मेरी प्रॉब्लम्स दूर होने लगी। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, हर एक के लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप सब लोगों को भी बेनिफिट हो सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि असाई बेरी को यूज़ करके आप आइसक्रीम का एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव, या फिर अपना जो स्वीट टूथ है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो असाई बेरी को, और अपने घर में कोई आया हुआ हो तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो, बचपन से ही उन्हें अच्छे खाने की आदत डले। इंडिया के अंदर शायद अभी असाई बेरी अवेलेबल नहीं है, बट हाँ असाई बेरी का पाउडर ज़रूर अवेलेबल है जितना मैंने देखा, तो असाई बेरी के पाउडर को यूज़ करके भी आप इस तरह से एक पेस्ट बना सकते हो, जिसको कि आप आगे ब्लेंड अलग अलग बना करके टॉपिंग्स डाल करके खा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको इसी तरह की कोई और वीडियो चाहिए हो जिस पर मैं कुछ बनाऊँ, कुछ बोलूँ, कुछ रिसर्च करके आपको बताऊँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मुझे क्वेश्चन कर देना, लिख देना, वरना इसके अलावा भी कोई भी इश्यूज हो, कोई भी टॉपिक्स हो आप बताना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। मैं हूँ ललित उत्तम।